नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। आज संपूर्ण संविधान दिवस में शाहबाद में SDM साहब, रामपुर SDM प्रवीण कुमार वर्मा, तहसीलदार साहब अशोक कुमार की मौजूदगी में तहसील दिवस कराया गया, जिसमें SDM रामपुर ने लोगों की शिकायत सुनी, जिसमें 80 शिकायतों में से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं SDM साहब रामपुर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि ये शिकायतें 7 दिन के अंदर अंदर सभी का निस्तारण हो जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र आए, कुल 80 प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, 2 का निस्तारण हुआ है उसमें से। और जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में आज जो शिकायतें आई हैं उसमें विद्युत विभाग की शिकायतें हैं, 3 शिकायतें हैं। और उस शिकायतों में जो एक बड़ा गंभीर शिकायत है वो ये है कि कहीं कहीं पर 2 बिल पहुंच रही हैं। तो हमने अभी SDO साहब यहाँ पर से पूछा है, तो कह रहे थे कि जो एजेंसी दी गई थी वो कहीं पर गड़बड़ हो गया है, जिसमें सौभाग्य से लग गया और उसके बाद मीटर भी लग गया है। तो ऐसे एप्लीकेशन से कोई फिल्टर की व्यवस्था नहीं है कंप्यूटर में, जिससे पकड़ में आता जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई करने को उनको निर्देश दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर हमारी जो शिकायतें आई हैं वो आई हैं खाद्य रसद से, जिसमें यूनिट कटने के बारे में, तो उसमें भी जानकारी की है, बताया है कि बना लिया है इन्होंने जो शिकायतें आई थी, और उसको अभी कंप्यूटर में बस केवल फीड करना है, क्योंकि अभी साइट खुली नहीं है। साइट जैसे ही खुलेगी उनको भी निर्देश दिया गया है कि इसको सही कर लें। और साथ ही साथ वितरण की एक शिकायत आई थी कि उसने 3 महीने से वितरण किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया, हमने कहा इसको स्पेशली देख लें। इसके अलावा राजस्व की 10 शिकायतें हैं और अन्य विभागों की गिनी चुनी शिकायतें आई हुई हैं। वो हम उसमें भर रहे हैं, अटेंडेंस अभी भर रहे हैं करने के लिए, जो विलम्ब से आए हैं और जो लेट आए होंगे उनके लिए कार्यवाही की जाएगी। आज कमरों का वितरण भी किया गया? हाँ, ये कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, जितने भी, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है और हमें जो है शासन से और भी कंबल प्राप्त हो गए हैं, पहले हमें प्राप्त हुए थे, तो उस पर हमें भरपूर कंबल मिल रहे हैं। NGO से भी कंबल लिया गया है, उनके माध्यम से भी हम लोग बांट रहे हैं, रात को भी हम लोग घूम करके कंबल बांटते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे समाधान दिवस हो गए, अन्य जो कार्यक्रम लगते हैं वहाँ भी हम कंबल को बांटते हैं। और साथ साथ हमारे जितने भी लेखपाल और कानून वो हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में सूची बना करके वहाँ भी कंबल बांटते हैं।